हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलर्स व्लॉग। और आज हम लोग हैं लोटस टेंपल में। तो काफ़ी खूबसूरत है लोटस टेंपल और काफ़ी पीस है। आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो काफ़ी पीस एरिया है। और इसके बाद नीचे एक पॉन्ड बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते तो आने का बहुत सारा तरीका है। आप बस से आ सकते हैं, मेट्रो से आ सकते हैं, और सारा तरीका इसका मतलब नहीं प्लेन से आ जाएँ। सो प्लेन का अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, बस मेट्रो, बस बगल में मेट्रो स्टेशन है और बस स्टैंड है। ओके, ये जो लोटस टेंपल है इसको बाही धर्म के लोगों ने बनवाया है, और ऐसे वर्ल्ड में 7 टेंपल्स बनाए गए हैं। सो आप इसको आके एक्सप्लोर करें, काफ़ी अच्छा है ये। सो लेट्स सी। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ओखला मेट्रो स्टेशन के नीचे। और ये जो अभी जो मेरे सामने जो रास्ता है, ये जो मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं, इधर से ही हम लोग जाएंगे ऊपर लोटस टेंपल की ओर। तो आप लोग ये देखिए, ये है मेन रोड। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये मेट्रो स्टेशन, इसके नीचे से जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो इधर से जाने के लिए है लोटस टेंपल। ना जा चक्री के मारे, ना जा सौतन पुकारे। तो हम लोग बढ़ रहे हैं मेट्रो स्टेशन से ऊपर की ओर, लोटस टेंपल जो ऊपर जाते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है इधर, तो इस चढ़ाइयों से ऊपर की तरफ जाते हैं। वैसे पैदल आना थोड़ा सा मुश्किल है, नीचे ऑटो मिलता है, कुछ चार्जेस लगेंगे उसके बाद। तो हमने प्रेफर किया है कि हम लोग पैदल जाएं। सो देखते हैं और आगे कितना दूर है। काटे ना तेरे बिना बेसुआदी रतियां। ये है एक छोटा सा मार्केट जहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ मिल सकता है। बाद बाकी आपको नीचे जाना पड़ेगा। और ये है एंट्री गेट, यहाँ से आप एंटर करते हैं। और फुल सिक्योरिटी है, पूरी चेकिंग होगी आपकी, उसके बाद आप एंटर करेंगे यहाँ से। तो ये हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो अंदर आने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और आप सामने पेड़ ये सब देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। वैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और अगर आप यहाँ पे आते तो आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। काफी साफ हवा आपको मिलने वाली है, और काफी पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से ये पॉसिबल है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करके आप जा सकते हैं अपने घर। वैसे तो पूरा दिल्ली एकदम पॉल्यूट हो चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी गार्डन आपको देखने को मिलता है। ये है इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ लोटस टेंपल की हिस्ट्री, ये कब बना, बाकी सभी कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और एक छोटा सा लोटस टेंपल का मिनिएचर रखा हुआ है इसके अंदर, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं। वैसे दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी है, बट जो लोटस टेंपल है वो एक दिल्ली का मॉडर्न मार्वल कहा जा सकता है। मॉडर्न मार्वल इसके लिए क्योंकि ये सबसे नया कोई अगर टूरिस्ट प्लेस है जो बनाया गया है, सो वो है लोटस टेंपल। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन में 6 साल लगे थे। आप सामने देख सकते हैं एक प्लेन जा रही है, अगर आप प्लेन पे होंगे तो जो आपको जो व्यू मिलने वाली है वो एक परफेक्ट व्यू मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो आप यहां से झोला कलेक्ट करें, झोले में अपना शूज सैंडल रखें, और आगे जो डिपोजिशन सेंटर है वहां पे आप डिपॉजिट कर दें, टोकन आपको मिलेगा, उसको बस संभाल कर रखें, तो अगर टोकन गुम तो आपका जूता गुम हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो 8 AM से 10 AM और 4 PM से 6 PM रहने वाली है, और काफ़ी गर्मी है यहाँ पर अभी। तो अगर जूता होता, अगर ना जमा हो रहा हो तो जमा कर दे, ठीक है, फ्री है। क्योंकि हमने ऐसा किया है कि हमने उसको झाड़ी में छिपा रखा है,
तो मे भी गायब हो सकते हैं, और फ्री है तो कोई पैसे नहीं लगने जा रहे हैं, तो उसको पैसा आराम से झोला ले, उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको ना जहाँ पे कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे जमा कर दे, झाड़ी में मत छिपाएं मेरी तरह। तो अगर आप लोटस टेंपल घूमने के लिए आए हैं तो आसपास भी जो घूमने की जगह है वो मिस मत करें। लोटस टेंपल के आसपास आपको कालिका जी मंदिर है और इस्कॉन टेंपल है, सो दोनों काफ़ी खूबसूरत है, आप ज़रूर विज़िट करें। और चलिए ऊपर की ओर इन सीढ़ियों से। तो ये है लोटस टेंपल, हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये एक सेल्फी पॉइंट है जो आप फ़ोटो यहाँ से ले सकते हैं, एक फ़ोटो अच्छी खासी आपकी बहुत अच्छी पिक आएगी यहाँ से। और देखिए सारे लोग अभी ले रहे हैं, और आप अगर जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से आप एंटर करेंगे, और वो जो सामने देख रहे हैं लोग उधर से आ रहे हैं, वहाँ से एग्ज़िट है। तो हम लोग इधर से चलते हैं ऊपर की ओर, गर्मी है तो उसको तो सहना ही पड़ेगा यार। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, और ये जो पूरा जो टेंपल है वो मार्बल का बना हुआ है, आसपास आप देख सकते हैं कितने दूर में फैला हुआ है इसकी गार्डन। और अगर आप अंदर जा रहे हो तो आपको लगना पड़ेगा लाइन, और ये काफ़ी लंबा लाइन रहता है, और गर्मी में आप बहुत बेचैन हो सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इवनिंग के समय जाएँ, इवनिंग में उतना भीड़ नहीं होता, हम लोग अभी इवनिंग में आ रखे हैं, इवनिंग में उतना भीड़ नहीं होता है। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, कैसे जाना है, कैसे लाइन लगना है, एवरीथिंग, और आपको इस टेंपल के बारे में पूरी बात बताई जाएगी। और अगर उसके अलावा भी अगर आपको कुछ नॉलेज गेन करना है तो आप जो इन्फॉर्मेशन सेंटर मैंने बताया है आपको वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये है अंदर का व्यू, अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट वी विल जस्ट डू समथिंग मोर फॉर यू पीपल्स। ये देखिए सभी लाइन में लग चुके हैं, और इनका कहना कैमरा पर फोन ही नहीं आता है। इसका उद्देश्य मानव जाति में एकता और शांति, अंदर का स्थान प्रार्थना द्वारा मार्ग। हम लोग हैं अभी जो टेंपल है उसके अंदर, ये जो पूरा एरिया है इसको प्रेयर के लिए यूज़ किया जाता है, और मैं यहाँ पे ज़ोर से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ इको करता है, तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो यहाँ पे पूरी आवाज़ गूंजेगी, तो मैं जितना कम हो सके। और ये देखिए ये है ऊपर का टॉप, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी रेयर है क्योंकि अंदर में वीडियोग्राफी करना सख्त मना है, पर फिर भी आप लोग को दिखाना है तो फिर कैसे भी करके मुझे लाना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं बाहर में। तो हम लोग आ चुके हैं एकदम अपने इस लोटस टेंपल के बाहर, तो आप देख सकते हैं क्या सनसेट है, ये जो सनसेट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो लोटस टेंपल के नीचे जो तालाब है, जो सरोवर है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो सरोवर है काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है, लोटस टेंपल को और खूबसूरती ये बढ़ाने का काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें सिक्के डाल रहे थे, तो आखिर परंपरा है, हम लोग भी जैसे अगर गंगा रिवर जो भी होली रिवर्स है उसमें सिक्के डालते हैं। तो ये हमारा सफ़र हुआ ख़त्म, और सब्सक्राइब करके जाओ यार। Thanks for watching the video, like, comment and not forget to subscribe the channel and stay tuned with Travels Vlog.